काम ऐसा करो जिसमें आपको मजा आए और आपको अच्छा लगे, एंड जो भी चीज आपको अच्छा लगता है एंड आपको मजा आता है वही काम करो। इन सिंपल टर्म्स, डू व्हाट यू लव एंड लव व्हाट यू डू। जब भी मैं कोई चीज DIY बनाता हूं ना, डू इट योरसेल्फ, मुझे बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। एक तो दिमाग चलने लगता है, क्रिएटिविटी निकल के बाहर आता है, कुछ बनाने का मजा आता है, स्पेशली हाथों से काम करने का एंजॉयमेंट मिलता है, एंड जब वो काम करने लगे तो उसका सेटिस्फेक्शन भी मिल जाता है, राइट? तो आज बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, बिकॉज एक सिंपल सा बॉटल से मैं आपको चार अलग अलग, एक्चुअली चार नहीं, तीन अलग अलग फिल्टर बनाने सिखाऊंगा और एक सरफेस स्किमर बनाने सिखाऊंगा, सिंपल सा बॉटल से। जहां कहीं भी जाओ आपको ये जो पेट बॉटल या प्लास्टिक पानी का बॉटल बहुत सारा मिल जाता है, एंड ये कचरा भी बहुत करता है, ये पी लिया फेंक दिया कचरा प्लास्टिक, और अगर ये कचरे में जाने वाला बॉटल आपके एक्वेरियम में, छोटा सा एक एक्वेरियम, नैनो एक्वेरियम, बोल या कोई भी चीज, ओके, उसमें अगर फिल्ट्रेशन का काम कर सके तो क्यों नहीं। कॉस्ट इफेक्टिव DIY आइडिया, एंड आपको कुछ फैंसी चाहिए नहीं है, सिंपल सा छोटे छोटे चीज चाहिए, मैं बताता हूं, देखते रहो आखिरी तक। देखो तीन फिल्टर बनेंगे और एक सरफेस स्किमर बनेगा, ओके, देखते रहो। तो आज हमारे DIY प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या लगेगा देख, चलो देखते हैं। एयर पंप, ओके, कोई भी एयर पंप, थोड़ा सा पत्थर, लावा रॉक, कुछ भी चलेगा। चार छोटे छोटे बॉटल, ठीक है, एयर स्टोन, एयर ट्यूब, सीजर, स्पॉन्ज, फिल्टर फ्लॉस, एंड ऑफ कोर्स अपना API का बायोमीडिया, ओके। अभी चलो शुरू करते हैं। तो पहला हम एक सिंपल सा बायो फिल्टर बनाएंगे, ओके, इसमें बायोमीडिया डालेंगे और बैक्टीरिया कॉलोनाइज होगा, स्पॉन्ज भी होगा, एंड छोटे से बॉटल में, ओके। बहुत इंटरेस्टिंग आइडियाज है, तो ध्यान से देखो। So, ये वाला फिल्टर के लिए एक छोटा सा बॉटल, बॉटल में हमने क्या किया है, ये कैप में ये साइड पूरा होल्स किया है और सेंटर में एक मोटा होल किया है ताकि एयर पंप का पाइप इधर जा सके, एयर ट्यूब, और यहां पे भी पूरा होल्स किया है ताकि पानी अंदर आ सके, ओके, मैं दिखाऊंगा, इंटरेस्टिंग आइडिया है। बट पहले क्या करना है, हमें लगेगा एक एयर ट्यूब, ओके। अभी ये एयर ट्यूब को यहां से हम इसके थ्रू, वो जो बड़ा होल है इसमें थ्रू निकालेंगे, और ये बॉटल का लेंथ में मेजर करेंगे, ओके, थोड़ा पीछे लेते हैं बिकॉज मेरे को एक एयर स्टोन भी चाहिए। एयर स्टोन ऐसा मिल जाता है कोई भी दुकान में, 2-4 रुपए का आता है, मैक्सिमम 10 रुपीज, और ये ऐसा अंदर जाने वाला है, ओके, एंड ऐसा बंद होने वाला है। बट इससे पहले हमें लगेगा API का बायोमीडिया और थोड़ा सा पत्थर। सो पहले इसमें थोड़ा सा पत्थर डालेंगे, थोड़ा वेट बढ़ाने के लिए पत्थर लगता है, बिकॉज मीडिया थोड़ा वेट कम हो सकता है, लाइट हो सकता है, तो थोड़ा पत्थर डाल दिया, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डाला, ओके, एंड API का बायोमीडिया खोला। अब API के बायोमीडिया एक अकेला बायोमीडिया है जिसमें बैक्टीरिया, नेट बैग वगैरह सब कुछ आता है, एंड बायोमीडिया आता है ना। इसको हम खोलेंगे,
और बॉटल के अंदर डालेंगे। मैं एक छोटा सा फनल यूज कर रहा हूं ताकि काम इजी हो। एक्चुअली एक काम इजी नहीं हो रहा है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, तो सर्कस नहीं करते हुए ओके थोड़ा सा ऐसा हम डाल देंगे। बट ये फनल आइडिया मेरे को फिर भी अच्छा लग रहा था, नहीं बैड आइडिया, यही बेटर है। ये हो गया। नाउ इसके ऊपर थोड़ा सा स्पॉन्ज डालेंगे ओके। ये स्पॉन्ज नहीं एक्चुअली फिल्टर फ्लास्क है, मैं थोड़ा सा इसको काट रहा हूं इजी करने के लिए। इसको एक और टुकड़े में किया और ये दोनों टुकड़े को इसमें अंदर घुसा दिया। बट प्रॉब्लम नाउ, इसमें एक बड़ा सा प्रॉब्लम है, ये अंदर जाना था फिर हमको फिल करना था। सो बस आप कितना भी एक्सपर्ट हो गलतियां हो जाता है, तो इसको चलो निकालते हैं और फिर से फिल करते हैं। तो ये निकाला, एक छोटे वाटी में डाला ये सब। अभी पत्थर डाल देते हैं, नॉट एन इश्यू, बिकॉज वो वेट के लिए है, नीचे रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पत्थर लावा रॉक भी यूज कर सकते हो, बायोमीडिया के जगह में लावा रॉक यूज कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। इसको इधर अंदर बिठाते हैं ओके, एंड फिर उसके बाद हम इसमें मीडिया भरेंगे ओके ओके। सो यहां पे हमने मीडिया भर दिया। नीचे एक ट्रे रखना अच्छा आइडिया है, बिकॉज अभी जो भी नीचे गिरता है हम लोग वापस उसको निकाल के डाल सकते हैं। ऑलमोस्ट फुल एंड वापस इसमें स्पॉन्ज डाल दिया ओके। एक्चुअली स्पॉन्ज ने फिल्टर फ्लॉस डाल दिया और ये कैप को खींच के यहां पे बंद कर दिया। ये हमारा बायो फिल्टर रेडी। नाउ ये मैंने थोड़ा वॉश किया है, रेडी है, थोड़ा पानी में डिप करके निकाला है, कभी कभी डस्ट आता है, आया तो नो प्रॉब्लम। अभी इसको टैंक में रखना है, अभी पानी भर गया, थोड़ा और डस्ट है, डोंट वरी अबाउट इट, नॉट एन इशू ओके। इसको रखा एंड एयर पंप चालू करना है ठीक है। एयर पंप नीचे है और चालू किया तो देखो अभी ऊपर से पानी जा रहा है, नीचे से पानी खींच रहा है थ्रू द फिल्टर और ऊपर से पानी जा रहा है ओके। मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूं, एयर स्टोन को थोड़ा ऊपर ले रहा हूं ताकि ओके ये सिर्फ मीडिया को एजिटेट करे ठीक है। सो ये सिंपल सा बायोमीडिया के साथ एक मीडिया फिल्टर या बायो फिल्टर आप छोटे बॉटल में बना सकते हो। अभी इसमें क्या होगा, पानी यहां से खींचेगा जहां पे हमने होल्स बनाया था और अंदर से निकल के बाहर आएगा ओके। वो एयर पंप के वजह से या एयर के वजह से, वो सक्शन के वजह से वो खींच के बाहर आने वाला है एंड पानी को साफ करने वाला है। अभी ये जो पानी में थोड़ा बहुत डस्ट आपको दिख रहा है वो मीडिया का है, नॉट अ प्रॉब्लम। मीडिया में बैक्टीरिया रहता है तो इट्स नॉट एन इश्यू, वो बाद में क्लियर अप हो जाएगा। सो ये था पहला फिल्टर, सिंपल बायो फिल्टर, थोड़ा सा स्पॉन्ज, बायोमीडिया। बायोमीडिया के बदले आप लावा रॉक यूज कर सकते हो, आपका मर्जी, छोटा छोटा टुकड़ा करके अंदर डाल दो ठीक है। बट बायोमीडिया में ज्यादा सरफेस एरिया मिलेगा बैक्टीरिया कॉलोनाइजेशन करने के लिए। एंड ये आपके छोटे छोटे टैंक्स, नैनो टैंक्स, यू नो 15-20 लीटर 30 लीटर तक भी चलता है
एज लॉन्ग एज यू हैव ओनली फिश एंड सिंपल सा एक्वेरियम हो तो ये चल जाता है। अगला फिल्टर है सेम वही बॉटल से बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब ज्यादा रॉकेट साइंस कुछ नहीं है, थोड़ा डिफरेंट आइडिया है एंड इससे भी बेटर काम ये करेगा। चलो ट्राई करते हैं। सो अभी थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे कि पानी कैसा धुंधला था, अभी भी हल्का सा धुंधला है बट वो साफ होते जा रहा है एंड आपका स्पॉन्ज गंदा होते जा रहा है, मतलब वो गंदगी सब स्पॉन्ज में आ जाएगा। स्पॉन्ज निकालो, साफ करो और आपका प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। एंड इसको कुछ भी नहीं करना है, बॉटल को पूरा टैंक के पानी से बाहर लेके वॉश करके वापस डालना है, हो गया इसका मेंटेनेंस भी। सो नाउ ये हमारा अगला फिल्टर का ढांचा है, मैं समझाता हूं। उससे पहले ये हमारा पुराना फिल्टर जो अभी आपने देखा है उसको खोल देते हैं बिकॉज इसी के सब चीज हमको काम आ जाएंगे। ये एयर ट्यूब अलग रख दिया, नाउ इसका स्पॉन्ज सब निकाल लेंगे, काम आएगा दूसरे फिल्टर में। मीडिया भी निकाल दिया, ये मीडिया सब एक वाटी में डाल देंगे, डन। नाउ ये फिल्टर में थोड़ा फंडा अलग है, फिल्टर उल्टा बैठेगा ऐसा, इसमें एक स्पॉन्ज लगेगा हमको। स्पॉन्ज में हमने एक होल बनाया, खड्डा, यहां पे भी होल है और स्पॉन्ज ऐसा बैठेगा, यहां पे एयर पंप आएगा और ये ग्लास पे चिपकेगा। मैं दिखाता हूं, इसके लिए पहले मीडिया और स्पॉन्ज लगेगा, ठीक है। थोड़ा इसमें स्पॉन्ज लास्ट में डालते हैं बट ऑफकोर्स इसमें मीडिया फिल करना है जैसे हमने पहले किया था। पहले वाले में हमने ये एयर स्टोन यूज करके अंदर डाला था, इसमें वो नहीं चाहिए होगा बिकॉज एयर पाइप यहां पे कनेक्ट होगा, यहां पे हमने ट्यूब दिया है। ये सिंपल सा एक स्ट्रेट जॉइंट है, वो स्ट्रेट जॉइंट में हम एयर पाइप या एयर पंप से पाइप कनेक्ट कर देंगे। इसमें मीडिया भर दिया और आखिर में स्पॉन्ज डाल के इसको बंद कर देते हैं। या बंद करने के बाद इसका जो है यहां पे होल्स है, यहां पे स्पॉन्ज, ये ऐसा बैठ जाएगा और हमें लगेगा ये एयर पाइप जो यहां पे कनेक्ट होगा ये जगह पे, ओके। ये एयर पाइप मैंने थोड़ा गम डाल के चिपकाया है, देखते हैं, सिलिकॉन डाल सकते हैं, हॉट ग्लू डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। नाउ अभी ये पूरा टैंक के अंदर जाने वाला है बट मेरे को थोड़ा डाउट है, स्पॉन्ज थोड़ा मोटा है और ये चिपकने वाला है क्या। देखो ये चिपक गया स्पॉन्ज नीचे और अभी हम करेंगे एयर पंप चालू। सी सेम प्रोसेस आपको दिख रहा है, स्पॉन्ज से पानी खींच के ये ऊपर छोड़ रहा है, ओके। सिमिलर प्रोसेस है, अभी आपको ये वाला इंटरेस्टिंग लगता है तो ऐसे वाला कर लो या कोई दूसरा इंटरेस्टिंग लगता है तो दूसरा कर लो। नाउ यहां पे भी मीडिया में थोड़ा बैक्टीरिया वगैरह है तो डस्ट आ रहा है, ओके। नाउ डस्ट आएगा ही, उसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है बिकॉज बैक्टीरिया है एंड धीरे धीरे वो डस्ट सब सेटल हो जाएगा और क्लीन हो जाएगा टैंक का पानी, ओके। तो ये था हमारा दूसरा फिल्टर, ओके। थोड़ा मतलब आइडिया थोड़ा अलग, पानी नीचे से खींच के ऊपर जा रहा है, एक्चुअली पुराना आइडिया जैसे ही है बट मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पॉन्ज दिया है ताकि थोड़ा बैक्टीरिया कॉलोनाइजेशन बेटर हो या यू नो जैसे भी आप बोल सकते हो। ये दूसरा फिल्ट्रेशन आइडिया। नो अगला जो सिंपल फिल्ट्रेशन के लिए आपको चाहिए एक पावर हेड। ये पावर हेड जो है ज्यादातर शॉप्स में बिना फिल्ट्रेशन के आपको देते हैं, आप पावर हेड यूज करते हैं, इधर एक बास्केट जैसा जाली जैसा आता है, पानी को घुमाते रहता है, उसको और थोड़ा बेटर बनाना कैसा। नाउ अभी ये तीसरे आइडिया में बताऊंगा एंड अगर पानी ऐसा धुंधला है, पानी गंदा है तो फटाफट साफ कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। चलो तो ये अगला वाला मेथड जो है सिंपल फिल्ट्रेशन है, बहुत सिंपल फिल्ट्रेशन है। अगर पानी धुंधला है
यू नो थोड़ा मट्टी वट्टी है, गंदा है, तो बहुत ईजिली काम करता है, बेसिक फिल्ट्रेशन आइडिया है। मैंने ऑलरेडी बोला है आपको, एक छोटा सा पावरहेड लगेगा, ये एक छोटा बॉटल और मैंने नीचे का काट दिया, ठीक है, ये देखो नीचे का मैंने काट दिया, तो ये नीचे का कट गया और ये वाला साइड जो है हमने कैप निकाल दिया है और यहां पे फिट करने वाला है। नाउ इसका जो मुंह है वो थोड़ा क्या बोलते हैं पतला था, इससे पतला था, तो मैंने थोड़ा टेप डाला है, इंसुलेशन टेप डाल के ये मैं यहां पे फिट करने वाला हूं, टाइट ऐसा फिट कर दिया, टाइट हो गया। ओके, नाउ इसमें क्या करेंगे, ये जो फिल्टर फ्लॉस या फिल्टर स्पॉन्ज जो है थोड़ा सा अंदर डाल देंगे, काफी है एक्चुअली, थोड़ा सा नहीं है, काफी है, इसके अंदर मैं डालने वाला हूं, तो ये हमारा फिल्टर तैयार। नाउ जैसा हम ये पूरा ऐसा फिट करके पावरहेड को चालू करेंगे तो पानी नीचे से स्पॉन्ज के थ्रू जाके वो डस्ट सब पकड़ के यहां से पानी छोड़ेगा। तो ये अभी चालू हो गया है एंड ये अभी फिल्टर जैसा काम कर रहा है। नाउ हो सकता है कि आधा पौना घंटा जो भी है टाइम जो लगता है, ये सब जो डस्ट है मट्टी है वो सब धुंधलापन जो है क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा। नाउ अभी एक आधा पौना घंटा दो घंटा जो भी टाइम लगता है, ये पूरा धुंधलापन जो है वो साफ हो जाएगा, डस्ट जो है वो फिल्टर फ्लॉस में पकड़ेगा और पानी क्लियर हो जाएगा। नाउ मैं हमेशा बोलता हूं एक पावरहेड फिल्टर जो है छोटे टैंक में नहीं यूज करना चाहिए, बिकॉज इसका जो है फोर्स बहुत ज्यादा रहता है। अगला एक वीडियो बनाऊंगा मैं जल्दी, जिसमें मैं बताऊंगा कि ये फोर्स कम कैसे करते हैं, वो भी एक इंटरेस्टिंग आइडिया है, बताता हूं। बट अभी हमको बनाना है सरफेस स्किमर, इसी टैंक में बनाएंगे, इंटरेस्टिंग आइडिया है, देखते रहो। तो ये यहां पे चालू है, क्लीन होने दो, तब तक मैं ये समझाऊंगा आपको कि एक सरफेस स्किमर का जरूरत क्या होता है। सरफेस स्किमर मतलब सरफेस, पानी का सरफेस स्किम करता है, मतलब सरफेस के ऊपर जो भी कचरा है, यूजुअली आपको ऑयल फिल्म या वेस्ट फूड या फ्लोटिंग लीव्स अगर प्लांटेड टैंक वाले हैं, या कोई भी ऐसा चीज जो है आपको सरफेस पे अगर गंदा है, ठीक है, तो वो निकाल देता है। सबसे ज्यादा ऑयल फिल्म आता है बिकॉज वो बैक्टीरिया ब्लूम या डेड बैक्टीरिया, खाना ज्यादा होने की वजह से, वगैरह 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 वगैरह। एंड सरफेस स्किमर्स मार्केट में बहुत वेरीड रेंजेस में आते हैं, बट अगर घर में एक छोटा सा ये पावर हेड पड़ा है, ओके, तो सरफेस स्किमर बनाना बहुत ही इजी है, बहुत सिंपल है। चलो मैं बताता हूं। नाउ ये पावर हेड चाहिए मेरे को, तो मैंने बंद किया है और यही वाला बॉटल या कोई दूसरा बॉटल सेम यूज करेंगे। नाउ ये मैं निकाल रहा हूं, ऑलरेडी इसमें कचरा है, ठीक है, तो काम कर रहा है, ओके, ये वाला निकाल देते हैं बॉटल, और मैंने एक और बॉटल ऐसे ही तैयार किया है, बट उसमें भी मैंने बॉटम काटा है, बॉटम रखा है, और मैंने उसमें देखो ये वाला पुराना बॉटल था, ये नया है, सेम बॉटम काटा है, बॉटम इधर है और मैंने यहां पे ऐसा काटा है, ठीक है, ताकि पानी अंदर जा सके। ओके, सिंपल मेथड, राइट, ओके। नाउ ये बॉटल में सिमिलरली क्या करेंगे, ये कैप खोल दिया, कैप नहीं चाहिए हमको, ये रहा हमारा पावर फिल्टर, इसको यहां पे फिट कर दिया टाइट, ओके, बट इस बार पावर फिल्टर को सीधा ना रखते हुए उल्टा रखेंगे, ओके, अगेन यहां पे भी स्पॉन्ज डाल दिया, या फिल्टर फ्लॉस, मैं हमेशा स्पॉन्ज बोलता हूं बट फिल्टर फ्लॉस, ओके, ये अंदर डाला थोड़ा, ओके, मैं ये आपको दिखाना चाहता हूं इसलिए मैं थोड़ा ऐसा बना रहा हूं, एंड अपना पावर हेड को ऐसे फिट किया सिर्फ सरफेस तक, ये देखो हमको सरफेस के ऊपर थोड़ा सा ये चाहिए, ओके। नाउ जब हम इसको ऑन करेंगे
सरफेस पे जो कचरा है अंदर जाके जमेगा एंड ये साफ होते जाएगा। ओके तो पहले सरफेस पे थोड़ा कचरा डालते। सो अभी देखो मैं सरफेस को गंदा कर रहा हूं, थोड़ा सा कार्बन डाला। ओके हम लोग यूजली फिश फूड, फिश फ्लेक फूड यूज करते हैं, वो सब यूज करते हैं, फ्लेक वगैरह यूज करते हैं, ये थोड़ा लीफ वगैरह है, फिश का वो जो फ्लेक्स फूड आता है वो यूज करते हैं, तो वो सब ऊपर ऊपर रह जाता है, ऑयल फिल्म रहता है एंड हमें चाहिए ये साफ हो। नाउ ये थोड़ा एग्जैक्ट सरफेस पे है और सरफेस मूव नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा इसको मैं नीचे करता हूं। ये देखो अभी नाउ अभी पूरा फिल्टर के तरफ, अपने स्किमर के तरफ पानी जा रहा है। थोड़ा इसको एडजस्ट करते हैं, ये देखो थोड़ा प्लस माइनस उसको एडजस्ट करके प्लेस किया तो पानी अभी अंदर जा रहा है। ओके थोड़ा और नीचे करते हैं इसको। यस सी सब अंदर जाके यहां पे कचरा फंस रहा है, ये दिख रहा है आपको कचरा पूरा ये सरफेस स्किमर की तरफ जाते हुए। नाउ ये वाले आइडिया में एक छोटा सा प्रॉब्लम है। ओके क्या होगा, कभी कभी श्रिम्प या फिश, छोटे छोटे फिश, वो दांत जो हमने बनाया है ना गैप्स, उसमें फंस सकता है और फिल्टर में जा सकता है, इसलिए ये इसका बॉटम काम आता है। नाउ बॉटम को लिया और यहां पे इसके ऊपर ऐसे ढक्कन जैसा रख दिया, ये देखो ऐसा ढक्कन जैसे रख दिया तो छोटा सा हल्का सा गैप बनता है पानी जाने के लिए, तो इसमें फिश या श्रिम्प अंदर नहीं घुस सकता। सिंपल मेथड है। ओके एंड इजी टू यूज। सो आपने अभी देखा ना एक सिंपल सा पानी का बॉटल। ओके पानी पीने के बाद कितना काम आ सकता है, ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जिससे आप प्लास्टिक का रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। ओके ये सिंपल चार छोटे से आइडिया थे जिससे आप एक छोटा बॉटल से आप अपना एक्वेरियम का हॉबी बढ़ा सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो। ऑल्सो मैंने ये भी दिखाया कि हमारा जो एपीआई का बायोमीडिया बॉटल में भी काम करता है बॉस। ओके इट वर्क्स वेरी वेल। हाँ ये थोड़ा एडवर्टाइजमेंट है बट प्रोडक्ट अच्छा है, याद है ना इसमें नेटबैक बैक्टीरिया फ्री आता है, फ्री आता है, फ्री आता है। एडवर्टाइजमेंट चालू है। ओके सो नाउ मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपने छोटे छोटे चार सिंपल फिल्ट्रेशन आइडियाज सीखा, आपको मजा आया, आप जरूर ट्राई करोगे। DIY आइडियाज ट्राई करते रहो, अगर फेल होता है तो होता है बॉस, पता चलेगा इंप्रूव करेंगे। ओके दैट्स द होल आइडिया। फेल होने पे रुकना मत, फेल होने का मतलब और भी मेहनत करना है, और भी नया नए आइडियाज ट्राई करना है। ओके ये हमेशा याद रखो। नाउ एज ऑलवेज मेरे तरफ से, असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम के तरफ से, मेरे पूरे टीम संदीप एंड एवरीबडी ऑल ऑफ अस, हम सब की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज़, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग आइडियाज आने वाले हैं एंड मैं बताऊं कि हम शायद 2-3 फॉरेन लोकेशंस में भी जाने वाले हैं, बहुत जल्दी बताऊंगा, आप सबको पता भी चलेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा। तो जुड़े रहो, बने रहो, सब्सक्राइब करो एंड आपके दोस्तों को बताओ हमारे वीडियोस के बारे में। ओके चलो बाय।